हाँ जी, तो अगर आप लोग DSU में एडमिशन लेना चाहते हो बट अभी तक आप लोग की DSU में एडमिशन नहीं हुई है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके स्पॉट राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड कैसे आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग स्पॉट राउंड के बारे में डिस्कस करें तो स्पॉट राउंड में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जितने भी सीटें वगैरह वैकेंट रहती है, उस हिसाब से सारे स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। लास्ट ईयर भी जिस स्टूडेंट के कम मार्क्स से 70% उस सब की एडमिशन हो रही थी स्पॉट राउंड में। इसमें मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करती है, अगर आप लोग फीस वगैरह देते हो एंड ज़्यादा स्टूडेंट अगर अप्लाई कर देते हैं देन आपके ज़्यादा मार्क्स रहने चाहिए, अदरवाइज अगर कम भी आपके मार्क्स है देन एडमिशन हो सकती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखें कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट वगैरह अलॉट नहीं हुई इन प्रीवियस राउंड लाइक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, अगर आप लोग को कोई सीट वगैरह अलॉट नहीं हुई थी देन आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पॉट राउंड में। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिन्होंने विथड्रॉ कर लिया था काउंसलिंग प्रोसेस से 1 दिसंबर से पहले लाइक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में अगर विथड्रॉ कर लिया था तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड अगर हम लोग बात करें जिन कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं की बाय पेइंग फीस, उन्होंने फीस वगैरह नहीं पे कर पाए, तो वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस कोई भी राउंड में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आप लोग फीस नहीं दे पाए तो आप लोग फिर से फीस नहीं दे सकते, आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके देन आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप लोग तब फीस दे सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो फिर वो भी कैंडिडेट जिन्होंने कोई चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं की थी प्रीवियस राउंड में लाइक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में, अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करना भूल गए थे तो वही आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पॉट राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो भी कैंडिडेट को कोई भी सीट वगैरह अलॉट हुई बट ड्यू टू एनी रीजन उनकी कोई डिफिशियंसी के कारण लाइक डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर एनी अदर रीजन सीट कैंसिल हो गई तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आप लोग इन कोई भी कैटेगरी में लाइक करते हो तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि शेड्यूल एंड प्रोसेस, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 2 दिसंबर को इनकी इंटरनल अपग्रेडेशन एंड सीट कन्वर्जन थी एंड उसके बाद आप लोगों को अगर इंटरनल अपग्रेड हुई थी कॉलेज वगैरह तो आप लोग फीस पे कर सकते हो जिन्होंने फीस वगैरह पे नहीं किया था, फिर उनकी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारा कुछ जितनी भी इंटरनल अपग्रेडेशन होगी ये 4 दिसंबर तक चलेगी, उसके बाद DSU 5 दिसंबर को आपकी वैकेंट सीट की निकालेंगे कि कितनी सीटें वगैरह खाली हैं अभी DSU में। उसके बाद 6 से 8 तारीख तक आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो स्पॉट राउंड के लिए एंड आप लोग को वही चॉइस फिलिंग करना है जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप लोग BBA में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको BBA डालनी है, अगर आप लोग BCA नहीं करना चाहते हो या फिर BA नहीं करना चाहते हो तो वो नहीं डालनी है, बिकॉज अगर आप लोग डाल दोगे एंड अगर आपको BBA नहीं अलॉट हुई BA अलॉट हो गई तो आपको फीस फिर रिफंड नहीं होगी बिकॉज आपको फीस पे करनी है एंड अगर आपने ऑलरेडी फीस पे कर दी थी अगर आपको कोई और राउंड में अलॉट हुई थी एंड आपने कर दी थी तो फिर से आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप लोग वही चॉइस फिलिंग करना जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें अगर आप लोग को एडमिशन वगैरह नहीं मिल पाती है स्पॉट राउंड में देन आपकी जो फीस होगी वो रिफंड हो जाएगी, बट अगर आप लोग को कोई भी सीट वगैरह अलॉट हो गई स्पॉट राउंड में एंड आप लोग उसे लेना नहीं चाहते हो देन आपकी फीस वगैरह रिफंड नहीं होगी। तो इसीलिए आपको सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो इसकी रिजल्ट होगी वो 10 दिसंबर को सीट वगैरह अलॉट हो जाएगी एंड फिर 11 से 13 दिसंबर तक आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चलेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।